अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे हो। हमें यहाँ पे हम तीनों को कोविड हो गया है, बट वो ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है इस बारी। थोड़ा थोड़ा जैसे गले में खराश है, हल्का हल्का सा जैसे फीवरिश लग रहा है। मेरे तो टेम्परेचर है नहीं, लेकिन कल रात को ओम की बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, अराउंड 103 के आसपास था। तो काफ़ी जैसे होता ना, वी एज पेरेंट्स हम बहुत घबरा ही जाते हैं। तो रात भर कल नींद नहीं हुई, सुबह उठे उठने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हमें, एक दिन को कैसे काटना है। या तो सोए सोए मन उदास करके वी कैन स्पेंड द डे, और एक होता है कि हम ज़बरदस्ती उठ के थोड़ा सा अपने में मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हर एक दिन तो हमें हमारी एक जैसा नहीं जाता, हर एक दिन बहुत अच्छा जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। बट वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। जैसे अभी घर में सबकी तबीयत खराब है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बिस्तर से भी उठूं। लेकिन उठा, फिर मैंने नहाया अच्छे से, मतलब होता है ना थोड़ा सा फ्रेश लगता है, नहा लोगे ना तो फिर देखना आपकी मन एकदम अच्छा लगने लगता है। भगवान के सामने हाथ जोड़ा एंड प्रेयर्स बहुत, मतलब उसमें ना मुझे तो ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब बहुत पावरफुल होता है प्रेयर्स। जब भी जैसे आपका मन ठीक नहीं लग रहा हो, तबीयत ठीक नहीं लग रहा हो, जस्ट भगवान के सामने थोड़ा सा हाथ जोड़ के उनसे कॉन्वर्सेशन कर लीजिए, प्रे कर लीजिए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद आ जाता है। सो यही मैंने सीखा है कि कुछ भी जैसे सिचुएशन जैसा है, आपको वैसे ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। अभी जैसे हम डेली जाते थे खेलने के लिए बाहर, लेकिन ड्यू टू कोविड अब घर से हम निकल, ऑफकोर्स हमें भी, हमारे भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट इज़ ऑफकोर्स लाइक यू हैव टू कीप योर सेल्फ अलूफ। तो घर से निकल नहीं सकते हैं पूरा 7 days, तो क्या कर सकते हैं? अभी उसको लेके उदास या बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में चले जाना, क्या करें दिन भर घर के अंदर, वो भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन जैसे कि जुम्बा, यूट्यूब में देख के जुम्बा कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स में अच्छी अच्छी मूवीज़ या सीरीज़ है वो देख ले, अभी वैसा टाइम है कि वो देख ले। एंड हस्बैंड इज़ ऑल्सो एट होम, क्योंकि अभी 7 days आइसोलेट होके रहना पड़ेगा, तो वही है। और दवाई वगैरह मेडिसिन एंड ऑल वो तो है ही घर में। तो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है कोविड, आप बिल्कुल मतलब सेफ रहिए। पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है इस बारी, लेकिन थैंकफुली उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, हल्के फुल्के में ही जा रहा है, तो दैट्स गुड। एटलीस्ट वो ठीक है, नहीं तो पिछला वेव जो सेकेंड वेव आया था अप्रैल मई में, तो उसमें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सीवियर था। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द डे। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ जैसे क्या करते हैं। तो घर में क्या करेंगे, सोच रही हूँ कुछ अच्छा खाना बना लेती हूँ, तो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, और क्या ही दिखाऊंगी घर के अंदर, एज अ लाइक घर के अंदर दिखाने के लिए है भी क्या क्या एक्टिविटीज़ और दिखा सकती हूँ। सो प्लीज़ स्टे विथ मी एंड सी दिस। सो दिस ऑल शॉपिंग, इतना शॉपिंग हमने करके रखा है लॉकडाउन के वजह से। पता नहीं फिर वीकेंड लॉकडाउन तो है ही, अगर वीक डेज में भी लॉकडाउन हो गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी। सो ये है ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड, दिस इज मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड। यहाँ पे है सिंगला का जलेबी, घी से तला हुआ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ है कपकेक्स, वन दैट फ्रूट वन इज फॉर मी एंड दीज टू आर फॉर बोथ द बॉयज। यहाँ पे है मैगी, ये कॉफ़ी के सैशे है, मूंग दाल, रोस्टेड क्रश्ड पीनट्स, डेरी मिल्क, चिप्स और कॉफ़ी और है, और भी कुछ कुछ ना, अभी डेटॉल में डुबाया गया है बिकॉज माई हस्बैंड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस। यहाँ पे है दही, कुछ डाइट कोक्स फॉर हिज वर्कआउट, और ये रेड वाला क्या है, स्टिंग ऑलरेडी 2 liters टोन्ड मिल्क है, तो ये एक और लीटर, और नॉन वेज भी स्टॉक्ड है, वेजीज भी स्टॉक्ड है। सो यहाँ पे एग फ्राई हो रहा है, और इधर है ब्रेड,
सो यही है सिंपल सा ब्रेकफास्ट बिकॉज वी ऑल आर सिक। सो ये मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें ना मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इसको गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। अभी तेल गर्म हो गया तो इसमें ना थोड़ा सा शुगर डालेंगे, इससे ना अच्छी कलर आती है। और एक सूखी मिर्च बड़ी वाली तोड़ के इसको डाल दिया और एक तेज पत्ता। अभी इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, एक मीडियम साइज का प्याज मैं डाली हूँ क्योंकि ज्यादा प्याज डालने से ना फिर वो थोड़ा स्वीट हो जाता है अनियन से। अभी अनियन फ्राई हो गया है, ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो गया, तो इसमें ना मैं ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली, अदरक का क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसको डाल देंगे। तो अभी ना जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया, अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं आई पुट कट टोमेटोज, मैं कटा हुआ एक छोटे साइज का टोमेटो डाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे ड्राई मसाले डालते रहेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने चना बॉईल करने के टाइम भी दिया था, तो ये सॉल्ट टमाटर के बाद देने से ना टमाटर गल जाता है। हल्दी, धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर। ये ना कलर के लिए अच्छी कलर आती है कश्मीरी चिली पाउडर से, तीखा नहीं होता। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ना मीट मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, इससे अच्छी और टेस्ट आती है। सो ये मैं भूल गई थी डालना मीट मसाला, थोड़ा सा इससे अच्छी स्वाद आती है। बस ऑलमोस्ट मेरा मसाला पक ही गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो ये जितने अच्छे से पकाएंगे ना उतना टेस्टी होता है आपका घुगनी। तो अभी ना मैं कुकर खोल के देखें कि मेरा ये स्टीम ऑलरेडी निकल गया है। ये है वाइट पीस, सो इसको अभी डाल देंगे और इसमें भी जो पानी है ना उसको भी मैं डाल दूंगी। और ये मटर में मैं थोड़ा सा नमक और एक चुटकी हल्दी डाल के उबाली हूँ और तीन विसल डाली, तो इससे अच्छे से ये पक गया है, अच्छे से बॉयल हो गया। सो इसका जितना पानी था वो भी मैंने डाल दिया और ये इसको थोड़ा देर पकाना है बिकॉज मसाला भी कुक्ड है, ये मटर भी कुक्ड है, थोड़ा देर पकाना है, थोड़ा सा पानी कम हो उसके बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी बहुत सोक करता है लेकिन अभी काफ़ी वाटरी है, तो इसको थोड़े देर के लिए फ्लेम में, हाई फ्लेम में रखना पड़ेगा। सो ये ऑलमोस्ट हो गया है तो मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा ग्रेवी है, आपके हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हो। और अभी इस स्टेज पे मैं कोरिएंडर लीव्स डाल दे रही हूँ, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू रहती है। लास्ट में डालने से ना कोरिएंडर की बहुत अच्छी खुशबू रहती है और खाने में अच्छा लगता है। इसको एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के और नींबू और कच्चा प्याज और हरी मिर्च, बहुत अच्छा लगता है। ये उड़ीसा का और बंगाल का स्ट्रीट फूड है घुगनी,
एक बार बना के देख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा। सो ये मैंने सैलेड काट लिया है। ये क्या किया है पता है, प्याज को ना स्लाइसेस काट के इसमें मिर्ची की अचार का मसाला मिला दिया, बहुत अच्छा लगता है। सो घुगनी के साथ अभी हम डिनर करने वाले हैं, पराठा घुगनी एंड दिस, ये। और इधर सैलेड काट के रखा है मूली और खीरा। सो जल्दी से खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, इट्स ऑलरेडी 9:30। सो खा लेते हैं। हाय, गुड हेलो, इवनिंग लिपीज़ यूट्यूब फैमिली। क्वाइट लेट नाउ, वी हैड अ वंडरफुल डेलिशियस डिनर, वंडरफुल घुगनी प्रिपेयर्ड बाय लिपी, प्रिपेयर्ड बाय योर वाइफ। इट्स गुड, थैंक यू इट्स थैंक यू थैंक हेल्दी यू थैंक यू। न्यूट्रिशियस एंड अबाउट टाइम टू स्लीप। एंड वी हैव अ लिटिल वन हियर ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। आई यू शो टर्न यू, अराउंड योर हाँ या And he's trying to read some Tintin, one of my favorite comics books as a child. Very happy to see that now Om is reading it. So signing off on a Thursday late night, and let's end the day. Tomorrow again the grind starts. And so keep sharing, keep supporting this channel. Do like, subscribe, And and share my videos if you like. And yes. please share and please watch my other channel also. That is the English channel that I am making few videos for small kids for English, as well as not only for small kids, बड़ों के लिए भी है, जैसे pronunciation and all, वो हम सब भी सीखते ही हैं। So please do check it out and thank you for watching my video and please like, share and subscribe to this channel and please 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 support me. Good night. Good Bye night. bye. Have a good day. Good night. I have a good night. Sorry. Good night.